हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ की हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं और प्रोसीजर लॉ किसे कहते हैं। जनरली हम लॉ को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजर लॉ, एक सारवान विधि और एक प्रक्रिया विधि। अगर जो मैं बात करूं सारवान विधि की, सब्सटेंटिव लॉ की, तो इसको हम फिर टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिविल सब्सटेंटिव लॉ और क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ। यानी कि इसे कहेंगे हम दीवानी सारवान विधि और इसको कहेंगे हम आपराधिक सारवान विधि। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, इसको कहते किसे। और रही बात प्रोसीजर लॉ की, तो हम प्रोसीजर लॉ की जो है बात बाद में करेंगे। अगर मैं बात करूं सिविल सब्सटेंटिव लॉ की, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून जो पार्टीज के राइट्स को बताता हो, ड्यूटीज को बताता हो, लायबिलिटी को बताता हो और साथ ही साथ रेमेडी को भी बताता हो, तो ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं? सिविल सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। ऐसा कोई भी कानून जो पक्षकारों के अधिकार बताता हो, दायित्व बताता हो, कर्तव्य बताता हो और साथ ही साथ उपचार की भी व्यवस्था करता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? दीवानी सारवान विधि कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर जो मैं बात करूं संविदा विधि की, फॉर द एग्जाम्पल ए बी के साथ एक एग्रीमेंट करता है, ए बी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि मेरे लिए आप 500 चेयर जो है तैयार कर दें। बी एग्री हो जाता है और ए कहता है कि आप मुझे जो है 1 जनवरी को जो है माल डिलीवर करेंगे, जितना भी गुड्स है इसको डिलीवरी करेंगे और मैं आपको 1 जनवरी को जो है पूरा पेमेंट कर दूंगा। बी माल को तैयार करता है और ए को कहता है 1 जनवरी को कि आपका माल तैयार हो गया, आप अपना माल जो है ले लीजिए, लेकिन जो है डिलीवरी लेने से अकड़ देता है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टीज के राइट्स को बताएगा, ड्यूटीज को बताएगा और साथ ही साथ रेमेडी की भी बात करेगा। भैया अगर जो बी को जो है लॉस हुआ है, बी को जो डैमेजेस हुई है, वो डैमेजेस किसे देना पड़ेगा? ए को जो है देना पड़ेगा। तो ये जो कहलाता है ये सब्सटेंटिव सिविल लॉस कहलाता है ना, सिविल सब्सटेंटिव लॉ। यानी कि दीवानी सारवान विधि ऐसी विधि जो पक्षकारों के अधिकारों को बताती हो, पक्षकारों के कर्तव्य को बताती हो और साथ ही साथ उपचारों की भी व्यवस्था करती हो, तो ऐसी अगर जो कोई विधि है तो वो क्या कहलाती है? सिविल सारवान विधि कहलाती है।